ओम गणपते नमः ओम गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे करण के बारे में। करण क्या होता है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, कैसे कौन कौन से करण होते हैं और कैसे चेक करते हैं। दोस्तों, करण किसी भी तिथि का आधा भाग होता है। आप ज्योतिष के प्रिडिक्शंस देखते हैं राशि के बेस पे। एक राशि 30 डिग्री की होती है। जब हमें ज्यादा एक्यूरेट जाना पड़ता है, हम नक्षत्र में चले जाते हैं। नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है। और फिर और आगे जाना है तो तिथि रहती है। तिथि क्या रहती है? 12 डिग्री। सूर्य और चंद्रमा का जो डिफरेंस जब 12 डिग्री का हो जाता है तो एक तिथि बनती है। और करण 6 डिग्री का होता है। सो करण से आपको किसी के बारे में ज्यादा सटीक जानकारी मिलती है। आप उसकी पर्सनैलिटी के बारे में ज्यादा अच्छी तरह से जान सकते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे करण आपकी पर्सनैलिटी के बारे में कैसे बताता है, कौन कौन से करण होते हैं। ज्योतिष के अनुसार जन्म के समय बन रहे ग्रहों के योग और पंचांग ही व्यक्ति के जीवन का मार्ग निर्धारित करते हैं। तो सभी लोग सिर्फ अपने जो चार्ट को ग्रहों की पोजिशन से देखते हैं और हम तिथि वार नक्षत्र योग और करण को इग्नोर कर देते हैं। तो इस वीडियो में जानेंगे करण के बारे में। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, आप अपने बर्थ चार्ट के अंदर आप चेक करें कि आपका करण कौन सा है। जहां पे आपकी बर्थ की डिटेल दी होगी, दिन वार नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र चंद्रमा नक्षत्र, वहीं पे करण लिखा होगा। सो करण को चेक करें, उसके बाद हम बात करेंगे करण का के बेस पे पर्सनैलिटी कैसे इंडिकेट होती है। करण का चंद्रमा मास के अनुसार एक फिक्स पैटर्न है। आप जानते हैं जो सूर्य और चंद्रमा जो दोनों के बीच में 12 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है तो उससे एक तिथि बनती है। और एक तिथि का आधा भाग यानी कि 6 डिग्री का जो पार्ट है वो करण रहता है। करण का एक फिक्स पैटर्न है। शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी कि पहली तिथि, मान लीजिए चंद्रमा अमावस के बाद प्रतिपदा शुक्ल पक्ष की तरफ चल रहा है तो पहली तिथि को जो करण रहेगा वो वस्तु घन करण रहेगा। फिर 6 डिग्री भव, फिर सेकंड तिथि आ जाएगी क्योंकि 12 डिग्री कवर हो जाएगी, द्वितीय तिथि बालव, फिर कौलव, दो करण आएंगे कि द्वितीय तिथि में आएंगे, फिर तैतिल गर वनिज वनिष्ठ, फिर इन 7 करण का जो रोटेशन सीक्वेंस चलता रहेगा, भव बालव कौलव तैतिल गर वनिज विष्टि। सो जब चंद्रमास का अंत आना शुरू होगा यानी कि लास्ट के 3 करण जो रहेंगे शकुन चतुष्पाद और नाग रहेंगे। सो बेसिकली 11 करण रहते हैं, उनमें 4 करण फिक्स हैं, शकुन चतुष्पाद नाग और कित्सुघन, बाकी सभी करण बार बार मास में आते हैं। तो जानते हैं हर करण का क्या मतलब है, किसी भी करण में पैदा होने वाले के अनुसार उनकी पर्सनैलिटी कैसे बनती है। दोस्तों, बात कर रहे हैं बालव करण की, दूसरा मूवेबल करण। कुछ करण तो आपको बताया था कि 4 करण फिक्स हैं और कुछ करण बार बार उनकी रोटेशन चलती रहती है। सो बालव इज द सेकेंड मूवेबल करण। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बच्चों का समूह, छोटे बच्चों का ग्रुप, चीता और बाल। सो इसके देवता है ब्रह्मा। ब्रह्मा इज ए क्रिएटर, ब्रह्मा क्रिएट करता है। सो इन लोगों का काम जो है वो उत्पादन के साथ, मैन्युफैक्चरिंग के साथ लगा रहेगा। यानी कि कोई अगर इंसान बालव करण में पैदा हुआ है तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के साथ उसका रिलेशन हो सकता है। किसी टाइप की भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है, हो सकता है कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है फैक्ट्री हो,
और दूसरा क्या आपको सिंबल बताया था, बच्चों का समूह। सो बच्चों से संबंधित काम हो सकता है, एजुकेशन के साथ रिलेटेड हो सकता है, ये चर करण है, चलायमान करण है, जो चलते रहते हैं। भाग दौड़ के समय में इनको सफलता मिलती है। चीता क्या है, चीता जो मूवमेंट से उसको सक्सेस मिलती है, चीता भी ऊंचे स्थान पे जाके रहता है। सो ये लोग ऊंचे स्थान पे जाके रहना पसंद करते हैं। अपने छोटे बच्चे देखे होंगे, उनकी कोशिश होती है सबसे ऊपर जगह पे जाके बैठ जाओ, चाहे विंडो हो, सीढ़ी के ऊपर हो, अलमारी के ऊपर हो। जो आदमी ऊपर रहता है वो ऑब्जर्व करता है, उनकी ऑब्जर्वेशन की पावर काफी स्ट्रांग रहती है। दिन के टाइम पे ये काम करना पसंद करते हैं। रात को काम करें तो उसमें सफलता कम मिलती है। सो अगर आपका करण बालव है तो कोशिश करें कि इंपॉर्टेंट काम दिन के समय किए जाएं। ये लोगों को ट्रैवलिंग पसंद है, घूमना फिरना पसंद है, तो घूमते रहेंगे। ट्रैवलिंग का जॉब इनके लिए सूट करता है। स्पिरिचुअल है, वेल एजुकेटेड है, स्पोर्ट्स ओरिएंटेड है, बच्चे हैं, खेलते रहेंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में अच्छा काम करते हैं और अपना नाम कमाते हैं। दोस्तों ब्रह्मा क्रिएशन को इंडिकेट करता है। सो इन लोगों को नई नई चीजें बनाना, नई चीजों को बनाने के लिए सीखना, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कोई नई प्लानिंग करना, इन लोगों के लिए आसान रहता है। ये लोग टीचिंग के अंदर, रिलीजियस एक्टिविटीज के अंदर, कोई काम जो बच्चों के साथ रिलेटेड है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, उसमें ये सक्सेसफुल है। दोस्तों इनको बच्चों को सताना नहीं चाहिए और ज्यादा बच्चों वाली हरकतें नहीं करनी चाहिए। अगर लाइफ में दिक्कत चल रही है तो मोर पंख को साथ रखना ठीक रहता है। अगर कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो ब्रह्मा की पूजा करें, अपने टीचर्स, गुरु, रिलीजियस, फिलोसफिकल टीचर्स, उनके साथ कांटेक्ट में रहें, अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करें, तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने बड़ों की रिस्पेक्ट ना करें और लोगों से रिस्पेक्ट ढूंढे। नॉलेज इनकी काफी रहती है, बड़े इफेक्टिव है, ज्ञान के दम पे पैसा और इज्जत कमाते हैं और अपने देश और परिवार का सम्मान बढ़ाते हैं। दोस्तों ये तो था बालव करण। जब जो बच्चा बालव करण में पैदा होता है उसका लाइफ पाथ कैसे है,